वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट में एक और वीडियो कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम आईआईटी कानपुर का एमएसआर मास्टर ऑफ साइंस एंड रिसर्च इन पीएससी फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कवर अप करेंगे, जिसमें हमारे साथ आईआईटी कानपुर की ऑलरेडी पास आउट हो चुकी है, इसी साल उनका बैच 2024 में कंप्लीट हुआ है, सुचि अस्मिता बॉस, जो कि वहाँ की प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेटर भी रही है, डीपीजीसी का भी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट कमेटी का मेंबर भी रही है। साथ ही साथ उनका पेपर भी प्रेजेंटेशन हो चुका है, तो काफ़ी एक्टिव रही है वहाँ पे। और इनके पास मैं एक चीज़ बता दूँ कि एकेडमिकली आई थिंक 9 CGPA रहा है, आईआईटी कानपुर से 9 CGPA लाना बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ 3 जगह प्लेसमेंट, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल ब्रांच बीटेक इलेक्ट्रिकल हो के अगर इलेक्ट्रॉनिक से तीन तीन ब्रांच मीन्स अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट अचीव करना अपने आप में बताता है कि काफ़ी एक्टिव रही है। तो लाइक जैसे कैडेंस में हुआ है, फिर एनवीडिया में हुआ है और क्वालकम में हुआ है, तो इन तीनों कंपनी में प्लेसमेंट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो इनके पास काफ़ी ऑफर है। साथ ही साथ VLSI इलेक्ट्रिकल से होने के बावजूद VLSI में काफ़ी नॉलेज है, तभी अभी पार्ट टाइम क्लास भी ले रही है वहाँ पे VLSI वगैरह बच्चों का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा जो भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें लाइक MSR और MTech में क्या डिफरेंस होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, गेट स्कोर कट ऑफ की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है, ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसा है, किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, फी स्ट्रक्चर एंड हॉस्टल की कैसी फैसिलिटी है, साथ ही साथ उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जो कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा तो उसके बेसिस पे अपने मीन्स जूनियरों को क्या गाइडेंस देना चाहेगी, फिर प्रोजेक्ट का एलोकेशन हो गया या फिर और भी जो भी बहुत सारी चीज़ें, एकेडमिक स्ट्रेस हो गया, फिर क्लास का कितना प्रेशर होता है, MSR मीन्स कितना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि चीज़ों को डिटेल में कवर अप करने में टाइम लगता है, तो आप अगर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर मीन्स कम्प्लीटली किसी वीडियो पे डिपेंड ना रहे, अपना भी एनालिसिस करें, ये जस्ट एक गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता है, बट आप अपना खुद होमवर्क करें, हर कॉलेज के बारे में, हर ब्रांच के बारे में, वहाँ के बच्चों से कनेक्ट होके चीजों को जानने की कोशिश करें। वीडियो भी आप एक का एक माध्यम हो सकता है, ना कि कंप्लीट हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस फैमिली को और लार्ज किया जा सके। इस चैनल पे हम एमटेक का ही नहीं कवर अप करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें लाइक बीटेक का हो गया, एजुकेशन हो गया, पार्टी पॉलिटिक्स हो गई, फिर एंटरटेनमेंट की बात हो गई, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए और आगे आने के लिए अपना थैंक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। यू। हाँ, सबसे पहले सुचि अस्मिता, अपने बारे में थोड़ा लाइक ब्रीफली बताओ। तो मेरा नाम है सुचुष्मिता बोस। सो मैंने अपना बीटेक किया है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। एंड उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर से मास्टर्स किया है, MSR डिग्री था। और अभी रिसेंटली ही मैं डिफेंस देकर आई हूँ, तो कंप्लीट ही हो गया है मेरा एक तरीके से। और अभी प्लेसमेंट में लास्ट ईयर मैं बैठी थी, 2023 के दिसंबर, जो फेज 1 प्लेसमेंट होता है उसमें मैं बैठी थी, तो उसमें प्लेसमेंट हुआ था। और करेंटली मैं ज्वाइन करने वाली हूँ जुलाई में ही, तो अभी तो यही है। सबसे पहले तो लाइक ये बताओ कि MSR और MTech में क्या डिफरेंस है IIT कानपुर के हाँ, रिस्पेक्ट। तो ओके। सो MSR एंड MTech में, जैसे कि MTech है वो मोर जो है वो कोर्स ओरिएंटेड है, जबकि जो MSR है वो ज्यादातर है कि रिसर्च ओरिएंटेड है। तो अभी अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, तो IIT कानपुर में ये है कि MTech की जो एडमिशन प्रोसीडियर होती है वो मेनली होता है कि सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस में ही होता है। और उसके लिए हमें COAP का जो वेबसाइट होती है उसमें जाके हमें अप्लाई करना होता है, फिर जितने भी राउंड जाते हैं उस हिसाब से ही
अलॉट होता है कि कौन से डिपार्टमेंट में अलॉट हो रहा है, ये एमटेक के लिए है। और अगर एमएसआर की बात करें तो उसमें एक कट ऑफ डिसाइड होता है और वो कट ऑफ वेबसाइट में मिल जाता है कि एमएसआर के लिए ये कट ऑफ है, तो वो हम अप्लाई तो सभी कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग एक कट ऑफ रखते हैं कि ये कट ऑफ के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो लोग एप्लीकेबल होंगे इंटरव्यू के लिए। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू ज्यादातर मैटर करता है। तो इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए गेट स्कोर है, लेकिन मेन जो एडमिशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू मेन होता है। तो अगर इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया जाए तो फिर वो उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो एडमिशन प्रोसीजर में ये डिफरेंस है एमटेक एंड एमएसआर के बीच में। और अगर हम एडमिशन के बाद की बात करें तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कोर्स वर्क में, सेम ही कोर्स एमटेक जो कोर्स ले सकते हैं एमएसआर भी सेम ही कोर्स ले सकते हैं, सेम कोर्स ही ओपन होता है हम लोग के लिए भी। इट्स जस्ट दैट कि जो एमटेक होते हैं उनको मिनिमम 8 कोर्सेस करना होता है डिग्री मिलने के लिए, जबकि जो एमएसआर होते हैं उनको 4 से 5 मिनिमम कोर्सेस करना होता है अपनी डिग्री मिलने के लिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि कोर्स वर्क थोड़ा ज्यादा है एमटेक में, तो इसीलिए थीसिस वर्क उन लोग का कम होता है। तो उनको थीसिस वर्क जितना करना होता है उनसे डबल हमें एमएसआर में थीसिस वर्क करना होता है। लेकिन कंप्लीट जो क्रेडिट हमें मिनिमम कंप्लीट करना होता है डिग्री मिलने के लिए, वो एमटेक एमएसआर दोनों लोगों के लिए ही 144 क्रेडिट्स ही होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि डिविजन अलग है, उनको कोर्स वर्क ज्यादा करना होता है थीसिस वर्क कम, और हम लोग को कोर्स वर्क कम करना होता है थीसिस वर्क ज्यादा करना होता है। ये डिफरेंस है कोर्स वर्क में। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ही कोई डिफरेंस नहीं है। वो मास्टर डिग्री ही कंसिडर होता है, चाहे एमटेक किया हो चाहे एमएसआर किया हो, प्लेसमेंट में सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यही मेनली डिफरेंस है तीनों पर्टिकुलर जगह पे। लाइक कोर्स ड्यूरेशन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लाइक एमटेक का 2 साल का ड्यूरेशन? हाँ, ड्यूरेशन डिफर कर जाता है कभी कभी, ऐसा जनरल नहीं है कि ड्यूरेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एमटेक में थीसिस वर्क कम होता है, तो वो एमटेक जो होता है वो 2 साल में फिक्स होता है, कंप्लीट होगा ही होगा। जबकि जो एमएसआर होता है उसमें क्योंकि थीसिस वर्क ज्यादा होता है, तो वो जो सुपरवाइजर या गाइड होता है उनके ऊपर वो आ जाता है कि मतलब अगर काम जल्दी कंप्लीट हो गया, क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा है, तो अगर जल्दी कंप्लीट हो गया, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिनका 2 साल में कंप्लीट हो गया है एमएसआर। अब ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका 2.5 साल लगा है, ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको 3 साल लगा है, 3 साल से ज्यादा कभी नहीं लगता है, तो मैक्सिमम 3 साल लगता है, लेकिन 2 साल में भी कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सुपरवाइजर है, कौन गाइड है, क्या काम है उसके ऊपर। लाइक अब आते हैं, ये तो डिफरेंस की बात हो गई, और ये इसी ब्रांच के अंदर आता है फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग? नहीं, इलेक्ट्रिकल जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसमें और भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे VLSI हो गया, जैसे फोटोनिक्स हो गया, जैसे कंट्रोल एंड सिस्टम कंट्रोल एंड ऑटोमेशन है, पावर इंजीनियरिंग है, NSPCOM है। ये 5 स्पेशलाइजेशन आते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, और एक अलग से डिपार्टमेंट भी होता है जो है फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब ये इलेक्ट्रिकल के अंदर जो फोटोनिक्स स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ही ऊपर काम करते हैं फोटोनिक्स में, जबकि जो फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल की ही काम नहीं होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल की भी काम होता है, मतलब जो इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में होता है वही है। तो मतलब वो ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी इसमें इसीलिए होता है क्योंकि एक तो यह है कि अगर किसी को ये डायलेमा रहे ज्वाइन करने से पहले कि क्या मुझे प्लेसमेंट प्रेफर करना चाहिए या मुझे क्या रिसर्च प्रेफर करना चाहिए, तो तभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल लेकर प्लेसमेंट की तरफ हम जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करके। अगर किसी को होता है कि रिसर्च में जाना है, तब उनके पास और भी ऑप्शन होता है कि हम कोई और डिपार्टमेंट के टॉपिक पे भी काम करें, रिसर्च करें, इन फ्यूचर PhD करें, तो इसलिए वो डबल अपॉर्चुनिटी एक अच्छा मिल जाता है ये। मीन्स एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है और गेट स्कोर कितना, गेट स्कोर तक हम ये सब ब्रांचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं MSR की तो एमटेक के लिए? एमएसआर के लिए तो हाँ दोनों ही मैं बता देती हूँ कि एमटेक में जैसे थर्ड राउंड मतलब लास्ट राउंड तक अगर बात करें तो लास्ट राउंड तक 600 स्कोर तक जाता है एमटेक, ठीक है। और एमएसआर में अगर मैं बात करूं तो एमएसआर में 550 का कट ऑफ रहता है सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद इंटरव्यू कॉलिंग के लिए 550 के स्कोर रहता है। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू ही मैटर करता है कि अगर अच्छा इंटरव्यू हुआ तो कुछ भी कट ऑफ मतलब जा सकता है, उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि यही कट ऑफ जाता है।
रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू मीन्स गेट नहीं, स्कोर। कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू। हाँ डायरेक्ट इंटरव्यू। हाँ लाइक ये सब मीन्स इंटरव्यू के बाद गेट स्कोर उतना मैटर नहीं करता, जिसका अच्छा गेट स्कोर है मतलब इंटरव्यू गया हाँ उसका। इंटरव्यू मतलब जब हम अप्लाई करते हैं तब हमें एक एसओपी फिल करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो फिल करते हैं हम, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इंटरव्यू के टाइम पे, कि अगर वो बहुत अच्छा है, जो जो टॉपिक हमने बताया है एसओपी में कि ये हमारा इंटरेस्ट है, तो वो अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू ही ज्यादा मैटर करता है, तब गेट स्कोर उतना मैटर नहीं करता, जब एक बार क्वालिफाई कर लिया इंटरव्यू के लिए हम। लाइक जो भी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस बताया, सब ब्रांच के लिए हमें सारे अवेलेबल है, और ब्रांचों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए तो आई मीन तुम्हारे हिसाब से? हाँ तो सबके लिए ही एमएसआर अवेलेबल है, एमएसआर इमटेक दोनों ही सारे ब्रांचेस के लिए होता है। एमएसआर कम लोग होते हैं, मतलब कि अगर 10 लोग हैं टोटल, उसमें से 8ों लोग होते हैं इमटेक और 2 लोग होते हैं एमएसआर, तो सीट बहुत कम होती है एमएसआर की। तो उसमें 4 या 5 लोग ही हर साल हर एक ब्रांच में होता है एमएसआर में, और जबकि एमटेक जो होती है वो कभी कभी 10 लोग होता है, 12 लोग होता है, 15 लोग, ऐसे रेशियो होता है एमटेक का। और अगर यूजुअली अगर मैं गेट स्कोर से बात करूं, तो ट्रेंड ऐसा ही है कि सबसे ऊपर लोग प्रायोरिटी देते हैं डीएलएसआई को। अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिक से कोई है, तो जैसे मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल था, तो इलेक्ट्रिकल अगर गेट पेपर किसी का है तो वो एप्लीकेबल, मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं वीएलएसआई के लिए भी, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं एसपीकॉम के लिए भी, मतलब इन सारे जो ब्रांचेस है उनमें इलेक्ट्रिकल गेट पेपर अप्लाई नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर गेट पेपर है तभी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल गेट पेपर में किसी ने गेट दिया है और उसके थ्रू अगर मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन दैट केस तो ऑप्शन ये है कि पावर इंजीनियरिंग, वो सबसे पहला ऑप्शन होता है लोगों का कि पावर इंजीनियरिंग। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स गेट पेपर में दिया है तो तब उनका पहला ऑप्शन होता है वीएलएसआई। उसके बाद अगर किसी का अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे एसपीकॉम में रिसर्च करना है, तो फिर लोग एसपीकॉम चूज करते हैं। अदरवाइज तो मेजोरिटी लोगों की ही पहली प्रायोरिटी जो होती है वो वीएलएसआई ही होती है, उसके बाद मतलब बाकी ब्रांचेज जैसे कंट्रोल हो गया एंड फोटोनिक्स हो गया, तो इस तरीके से हायरार्की जाती है। और मैं अगर फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं, तो क्योंकि वो इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है तो उसमें सारे पेपर अलाउड हैं, तो अगर ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए था तभी मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि वीएलएसआई में मैं अप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मेरा पेपर था इलेक्ट्रिकल और वहां पे बस इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल था। तो अगर मैं इस डिपार्टमेंट में आती, इसमें आती, तो फिर मैं वीएलएसआई में एक्सप्लोर कर सकती थी, क्योंकि मेरा मतलब मन था कि वीएलएसआई में शिफ्ट होने का, इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट होने का, तो इसीलिए मैंने ये चूज किया था ताकि मैं यहाँ पे रहूंगी तो इसमें मैं वीएलएसआई की जो है वो फैसिलिटीज जो होती है वो मैं ले सकूँ, ये रीजन था बेसिकली। थोड़ा फोटोनिक साइंस का वो मीन्स सिलेबस बताओ, लाइक किससे इंक्लाइंड है, मीन्स किस एरिया से इंक्लाइंड है, क्या क्या टॉपिक है? हाँ तो मतलब आईआईटी कानपुर में क्या है कि कोई भी डिपार्टमेंट से हो, हम कोई भी और डिपार्टमेंट की कोर्सेज जो है वो चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब हमें कोई ऐसे नहीं है कि इसी पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल है, कोई भी कोर्स हम ले सकते हैं। इवन कि अगर मैं चाहूँ मैकेनिकल कोई मुझे कोर्स लेना है तो मैं वो भी ले सकती हूँ, उसमें भी कोई मुझे रोक टोक नहीं है। कुछ कंपल्सरी कोर्सेज होता है जो हर डिपार्टमेंट के लिए फिक्स होता है कि ये कंपल्सरी कोर्सेज जो है वो लेना ही पड़ेगा, इससे अलग जो कोर्सेस है वो हम कुछ भी कोर्सेस ले सकते हैं। तो अगर मैं फोटोनिक साइंस इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे इमटेक के लिए जो होता है वो 2 कोर्सेस उनके लिए फिक्स होता है कि लेना ही पड़ेगा। इसमें एक होता है इंट्रोडक्शन टू फोटोनिक्स, एक कोर्स होता है, एंड लेजर एंड डिटेक्टर करके एक कोर्स होता है। ये दोनों कोर्स कंपलसरी कोर्स होते हैं, कि 8ों कोर्स जो मिनिमम करना होगा उनमें से ये दोनों कोर्स होना ही चाहिए, बाकी 6 कोर्सेस कुछ भी ले सकते हैं हम। तो वो 6 कोर्सेस में हम वीएलएसआई के भी कोर्स ले सकते हैं। अगर किसी का मतलब टारगेट है कि मुझे वीएलएसआई में प्लेसमेंट लेना है, तो वीएलएसआई के कोर्स करने से बहुत हेल्प होता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग ही ये करते हैं कि वीएलएसआई के कोर्सेस लेते हैं, जितने भी वीएलएसआई के अवेलेबल कोर्सेस है वो लेते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे कि मुझे रिसर्च करना है फोटोनिक्स में ही, तो फिर वो फोटोनिक्स के भी कोर्सेस ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल होता है, मतलब कोई भी कोर्स हम ले सकते हैं एक्सेप्ट जो 2 कंपलसरी कोर्सेस हैं। और अगर मैं एमएसआर की बात करूँ, तो एमएसआर में एक कोर्स बस कंपलसरी होता है, इंट्रोडक्शन टू फोटोनिक्स जो कोर्स है बस वही कंपलसरी है, बाकी हम कोई भी कोर्स ले सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी कोर्स हम ले सकते हैं। अब हम इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की डेटा पे आते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का लाइक मेन पर्पस वही होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। तो अगर हम प्लेसमेंट के मीन्स इंटर्नशिप की बात करें, दोनों का सेपरेट सेक्शन बनाएंगे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप में किस टाइप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, एमएसआर के स्टूडेंट कब से एलिजिबल हो जाते हैं इंटर्नशिप के लिए,
और जैसे फोटोनिक्स डिपार्टमेंट है तो वो किस टाइप की कंपनी में एलिजिबल रहती है बैठने के लिए? तो इंटर्नशिप ऐसा है कि इंटर्नशिप में आईआईटी कानपुर में ही ऐसा है, कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं है कि इंटर्नशिप हम कर सकते सिर्फ और सिर्फ समर टर्म के टाइम में। समर टर्म वो होता है कि जो 2 महीने का गैप होता है सेमेस्टर के बीच में, 2 सेमेस्टर के बीच में जो समर का टाइम होता है उस 2 महीने में हम जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। 6 महीने या 12 महीने की इंटर्नशिप अलाउ नहीं करती है आईआईटी कानपुर, कोई भी डिपार्टमेंट चाहे वो। अब जो कि 2 महीने का इंटर्नशिप होता है, मतलब बहुत ही कम बच्चे जो है वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है जो सुपरवाइजर है उनके ऊपर। अब सुपरवाइजर ज्यादातर टाइम में समर टर्म में रिसर्च के काम दे देते हैं, थीसिस के काम दे देते हैं, तो बहुत सारे टाइम पे ही जो होता है कि इंटर्नशिप में लोग नहीं जाते हैं। मतलब अगर मैं डेटा बताऊं तो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग में से 2 लोग इंटर्नशिप जाते हैं, मतलब ऐसा अच्छा है रेशियो की अगर बात करूं मैं तो, क्योंकि वो 2 लोगों का जो सुपरवाइजर है उन लोग ने अलाउ किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग एप्लीकेबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, हम अप्लाई कर सकते हैं, हमें मिल भी जाएगा, लेकिन सुपरवाइजर अलाउ नहीं करते हैं 2 महीने के लिए कहीं और जाके इंटर्नशिप करने के लिए। तो जिन लोग के सुपरवाइजर अलाउ कर देते हैं वो लोग जाते हैं और इंटर्नशिप कर लेते हैं, और उसके बाद प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल जाता है बहुत सारे लोगों को ही, मतलब ज्यादातर टाइम पे मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपीओ मिल ही जाता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो जितने जाते हैं उनको पीपीओ मिल ही जाता है। इंटर्नशिप में लाइक बताओ कि कितने मीन्स, एक तो कम बच्चे बैठ ही पाते हैं कॉलेज के क्राइटेरिया कारण, तो हाँ किस कि, किस हाँ किस टाइप की प्रोफाइल विजिट करती है मतलब कौन सी टाइप की कंपनी विजिट करती है, क्या क्या प्रोफाइल ऑफर होता है इंटर्नशिप में, इसके बारे में बताओ। हाँ एक्चुअली मतलब ज्यादातर स्टूडेंट हमारे में पीएलएसआई में इंटरेस्टेड है, तो उनमें ही मैं अगर बात करूँ तो जैसे क्वालकॉम आती है इंटर्नशिप के लिए 2 महीने की, इंटेल भी आती है इंटर्नशिप के लिए, और लास्ट ईयर माइक्रॉन भी आई थी, सिस्को भी आती है। तो इन कंपनीज जो होती है इनमें से क्वालकॉम जो है वो हर बार एटलीस्ट 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे ऐसे ले ही जाते हैं, उसमें से मतलब मिक्स रहता है, मतलब इलेक्ट्रिकल में जितने लोग हैं, बाकी डिपार्टमेंट में जो लोग इंटरेस्टेड है सब अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो लोग एक कभी कभी मैंने देखा है, मैंने सीनियर से बात करी है तो उसने मुझे पता है कि कुछ लोग के लिए वो इंटरव्यू ऐसे मतलब जूम कॉल इंटरव्यू ऐसे टाइप की इंटरव्यू होती है, कुछ लोग के लिए वो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होती है। तो बहुत ज्यादा हार्ड इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, बस हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक टेलीफोनिक या ऐसे जूम कॉल इंटरव्यू हो जाते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि कितने लोग जो है वो इंटर्नशिप के लिए आएंगे। तो ये सारे कंपनीज ही जो है आती है बेसिकली। हाँ, जैसे फोटोनिक्स ब्रांच हो गया तो वो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी आई या इलेक्ट्रिकल की कंपनी आई तो उसमें सब में एलिजिबल होते हैं इंटर्नशिप के लिए मीन्स अगर कॉलेज अलाउ कर रही है तो, या फिर कुछ ऐसा रहता है कि ब्रांच वाइज नहीं यही बच्चे इस कंपनी में बैठेंगे? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, लेकिन वो बहुत हार्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। पहले वो रहता है कि नहीं एप्लीकेबल है, लेकिन एचआर से एक बार बात करने में ही वो लोग मतलब ओपन कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एचआर को नहीं पता होता है कि एक और भी है, मतलब एक और भी डिपार्टमेंट या स्पेशलाइजेशन है जो लोग मतलब इंटरेस्टेड है, तो उनको नहीं पता होता है। तो जब उनको हम अवेयर कर दे कि ये है तो उसके बाद वो लोग ओपन कर देते हैं, तो उनके तरफ से कंपनी की तरफ से कोई इशू नहीं होती है, बस उनको पता नहीं होता है तो एक बार बताना पड़ता है। ये काम ही होता है बेसिकली जितने भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका ही काम ही होता है, तो वो एचआर से बात करते हैं तो फिर उसके बाद एचआर ओपन कर देते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर टाइप की कंपनी की बात करें तो जैसे बहुत सारे बच्चे सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्टेड रहते हैं तो फिर मीन्स उस टाइप की कंपनी विजिट करती है लाइक सॉफ्टवेयर में, या फिर हम एलिजिबल होते हैं? हाँ इंटर्नशिप में तो ज्यादातर मतलब हम मतलब मेरे जान पहचान में ज्यादातर लोग कभी मतलब देखा नहीं है मैंने कि इंटर्नशिप में जाने में सॉफ्टवेयर में, लेकिन हाँ प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट में ओपन रहते हैं। कुछ कुछ कंपनीज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ सीएसई के बच्चे चाहते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे चाहते हैं, तो और भी स्पेसिफिक हो जाते हैं कभी कभी कंपनी की सिर्फ बीटेक सीएसई चाहिए, तो तब तो नहीं ओपन होती है। लेकिन अगर मास्टर्स के लिए ओपन है तो ज्यादातर केसेस में ओपन टू ऑल होता है, तो कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं होता है, सॉफ्टवेयर की कंपनीज ऐसे ओपन टू ऑल ही रहती है, सबके लिए ओपन होती है वो। अगर हम मीन्स ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो मीन्स एमटेक और एमएसआर दोनों का साथ में क्लास चलता है, कितना स्ट्रेंथ होता है और मीन्स कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप लग गया था और कितने का पीपीओ में कन्वर्टेशन हुआ था?
तो क्लास तो एक ही साथ होता है, सारे क्लासेस एक साथ होता है, मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं। कोर्स ले लेंगे तो फिर मतलब एक ही साथ सब क्लास होती है। तो मैंने तो ऑनलाइन ही क्लासेस करी थी, क्योंकि Y21 में मैंने ज्वाइन किया था, तो तब कोविड का टाइम था, तो ऑनलाइन सारे क्लासेस थे। तो बाकी मतलब डिपार्टमेंट से भी लोग आए थे, एमटेक थे, एमएसआर थे, मिक्स था, सब कुछ मिक्स था। और अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ तो मतलब मेरे डिपार्टमेंट से तो लास्ट मतलब जितने भी मतलब मुझे जितना याद है, 1-2 साल का ही डेटा मुझे पता है, उससे ज्यादा नहीं पता मुझे, तो इंटर्नशिप में तो गए नहीं है। बिकॉज रीजन उसका यही था कि हम लोग अप्लाई की वजह से, मैं भी इंटरेस्टेड थी कि मुझे भी अप्लाई करना था, लेकिन इशू था कि मेरे सुपरवाइजर ने अलाउ नहीं किया था। तो एक्चुअली ऐसा है कि मतलब बहुत ही गिने चुने ही प्रोफेसर, अगर मैं इलेक्ट्रिकल में भी बात करूँ तो मतलब बहुत ही गिने चुने प्रोफेसर ही मतलब अलाउ करते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो सब मिला के ही बस टोटल स्ट्रेंथ अगर 100 का होता है, 100 लोगों का ही मतलब स्ट्रेंथ टोटल होता है, जिसमें मतलब इलेक्ट्रिकल के मैं सारे स्पेशलाइजेशन ले लूँ और मतलब पीएससी ले लूँ, सब मिला के 100 बच्चे होते हैं जो मतलब होते हैं कि जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं VLSI में स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो उनमें से सब मिला के 7 या 8 लोग ही मतलब इंटर्नशिप जाते हैं, क्योंकि वो सुपरवाइजर के कारण ही ज्यादातर टाइम ही रीजन होता है कि नहीं जाने का। अब हम आते हैं प्लेसमेंट की डेटा पे। तो जैसा कि लाइक कैसा किस टाइप का प्लेसमेंट रहा, मीन्स किस टाइप की प्रोफाइल के लिए कंपनी विजिट की, फिर कुछ टॉप हाँ कंपनियों के नाम, प्रोफाइल में मीन्स हाँ कौन कौन से अलग अलग प्रोफाइल, कोर प्रोफाइल हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोफाइल हो गया, डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स प्रोफाइल हो गया, तो इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो प्लेसमेंट में जैसे कि मैं डीपीसी थी, डिपार्टमेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डीपीसी का कि कंपनी को डिपार्टमेंट के लिए ओपन कराना। तो अगर मैं डेटा बताऊं तो मेरे डिपार्टमेंट मतलब पहले मेरा काम होता है यही कि कुछ कंपनीज के कॉन्टैक्ट मुझे देना होता है एसपीओ को कि ये कंपनीज विजिट करे, मतलब कुछ एड ऑन करना कि जो ऑलरेडी विजिटेड कंपनी है वो तो है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मैं अपने तरफ से कुछ दे सकती हूँ कि नहीं, तो वो कॉन्टैक्ट देना हमारा काम होता है, डीपीसी का काम होता है। एक्चुअली हमारे IIT कानपुर में हायरार्की है कि प्लेसमेंट कमेटी में सबसे ऊपर हायरार्की में होते हैं ओपी सिंस, जो ओवरऑल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उसके बाद आते हैं जो असिस्टेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और उसके बाद आते हैं जो डीपीसीज होते हैं, डिपार्टमेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो हम लोग को भी काम होते हैं कि एक कॉन्टैक्ट देना और उनसे कॉन्टैक्ट करना, उनको कन्विंस करना कि प्लेसमेंट पे वो लोग आए, और फिर मतलब ओवरऑल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के काम होता है सब कुछ अरेंज करना, जैसे कंपनीज के साथ बात करके डेट शेड्यूल करना, कौन सी कंपनी आ रही है कंफर्म करना, सारी चीजें ओवरऑल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स की ही काम होती है मेनली। तो ये हमारा एक काम होता है, रिज्यूमे वेरिफिकेशन करना हमारा एक काम होता है कि सारे रिज्यूमेस जो होते हैं उनको हमें वेरीफाई करना होता है। और उसके बाद जो मेजर काम होता है वो होता है कि कंपनीज डिपार्टमेंट के लिए ओपन हो जाए। तो अगर मैं लास्ट ईयर की डेटा बताऊं तो रिसेशन के कारण बहुत ज्यादा ही इफेक्ट हुआ था प्लेसमेंट में, कि मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में स्पेशली तो बहुत ज्यादा ही इफेक्ट हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में VLSI में ये ट्रेंड रहा है कि सभी का प्लेसमेंट हो जाता है हर साल, लेकिन इस साल मतलब रिसेशन के कारण VLSI में भी प्लेसमेंट मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ है, कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है प्लेसमेंट। एसपी कॉम के बहुत सारे बच्चे भी अनप्लेस थे, तो रिसेशन था जो हर कॉलेज में ही सेम सिचुएशन था इस बार, इसलिए ये तो एक रीजन था ही। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो कंपनी ओपन होने की अगर मैं बात करूँ, यही रिसेशन के कारण ही क्या हुआ था कि कंपनीज ओपन नहीं हुए थे पहले। तो जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, मतलब जिस साल मैं बैठी थी उससे 1 साल पहले तक की बात करूँ, तो सारे VLSI कंपनी, जो टॉप VLSI कंपनीज है, VLSI मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोग ही VLSI में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो VLSI में जितने भी टॉप कंपनीज, जैसे मैं अगर क्वालकॉम बोलूँ, इंटेल बोलूँ, टेक्सस, देन माइक्रॉन, फिर उसके बाद एनवीडिया है, तो मैथवर्क्स है, तो ऐसे जितने भी टॉप कंपनीज है, तो वो सारे कंपनीज ही ओपन हुए थे लास्ट ईयर हमारे डिपार्टमेंट के लिए ऑटोमेटिकली, लेकिन इस साल वो ऑटोमेटिक नहीं ओपन हुआ था बिकॉज ऑफ द रिसेशन। फिर उसके बाद लेकिन ज्यादा कुछ मतलब हमें एफर्ट नहीं करना पड़ा, बस एक बार बोलना पड़ता है कि ये मतलब हमारा डिपार्टमेंट है जो कि हम लोग भी इंटरेस्टेड है और हम लोग भी प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद अलाउ कर देते हैं, मतलब बस एक फोन कॉल करना पड़ता है एचआर को तो ओपन हो जाती है। तो ओपन ऑलमोस्ट सारे कंपनीज हो गई थी, मतलब अगर मैं 50 कंपनीज की बात करूं तो 50 में से 45 कंपनीज ओपन हुई थी, 5 कंपनीज ऐसे मान लेती जो लोग नहीं ओपन हुई थी बोलने पर भी। तो ये होता है एक रोल हम लोग का, डीपीसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये चीज वो करें कि ओपन करवाए हर कंपनी, और वो होता ही है, हर साल ही ओपन हो जाती है सारी कंपनी हमारे लिए भी।
उसके बाद जो प्रोसीड्योर होता है वो सेम होता है, मतलब एक बार जब ओपन हो गया तब मतलब इलेक्ट्रिकल के VLSI भी जो है हम लोग भी सेम है, तो हम लोग अप्लाई करते हैं, फिर रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट में शॉर्ट मतलब CGP एक बहुत अच्छा मतलब बड़ा क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू के कॉल आने के लिए, तो वो CGPA मैटर करता है, टेस्ट का स्कोर मैटर करता है। अगर इसमें टाई हो जाता है तो कभी कभी कंपनी जो है वो मतलब बीटेक के मार्क्स, HS के मार्क्स, ये सब मार्क्स भी चेक, मतलब 12th के मार्क्स भी चेक करते हैं, और उसके बाद जो है इंटरव्यू के कॉल आती है। तो इंटरव्यू तो मतलब इंटरव्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे इनटेक हो चाहे MSR हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें पता है, अगर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ज्यादा इफेक्ट उसमें नहीं होता है। तो अगर मैं डेटा बताऊं लास्ट ईयर की, मतलब मेरे साल की, तो हमारे साल में मतलब ज्यादातर लोग प्लेसमेंट में, जितने लोग प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड थे तो उनमें से मतलब मेरा प्लेसमेंट हो गया था, मतलब day 1 में, slot 1 में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, और एक और स्टूडेंट का भी प्लेसमेंट हुआ था, और बाकी लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी phase 2 चल रहा है तो शायद उन लोग का हो भी जाए। लेकिन और दो बच्चे भी थे जिन लोग ने इंटरव्यू तक भी गए थे, लेकिन प्लेसमेंट वही मतलब इस पर रिजेक्शन के कारण ज्यादा प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो ये एक रीजन था। लेकिन यह है कि ये रिसेशन ही रीजन था, अदरवाइज लास्ट ईयर की मैं डेटा बताऊं तो सारे लोग प्लेसमेंट थे, मतलब प्लेस थे। मैं लास्ट लास्ट ईयर के डेटा बताऊं तो जितने लोग ने प्लेसमेंट बैठे थे सारे लोग प्लेस थे, तो ये रीजन मतलब स्पेशली रिसेशन के कारण ही था, अदरवाइज तो अच्छा ही डेटा रहता है प्लेसमेंट का। कितने परसेंटेज, अगर एमटेक को भी, एमटेक का सेपरेट कर दूं, एमएसआर का सेपरेट कर दूं, तो कितने कितने परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो गया? एमएसआर मतलब एमएसआर में कितने लोगों के प्लेसमेंट हुए और एमटेक में कितने, ये पूछ रहे हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से? हाँ, कितना स्ट्रेंथ था, कितना प्लेसमेंट, परसेंटेज तो एमएसआर कितना? में जैसे हाँ MSR में तो जैसे मैंने बताया कि मैं ही थी जिसका प्लेसमेंट हुआ है, और एमटेक में एक और लड़की है जिनका प्लेसमेंट हुआ है, बाकी लोगों का अभी तक नहीं हुआ है प्लेसमेंट, एमटेक MSR मिला के बोल रही हूँ। और मतलब लोग टोटल हम लोग 7 लोग थे, एमटेक MSR मिला के मैं बोल रही हूँ कि 7 लोग जो है जो प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड थे। हाँ बाकी लोग जो है वो रिसर्च में ही इंटरेस्टेड थे, तो प्लेसमेंट में नहीं बैठे, तो उनका मैं नहीं काउंट बता रही हूँ। बस 7 लोग जो प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड थे उनमें से 2 लोगों का प्लेसमेंट हो गया है, एक मैं MSR हूँ और दूसरे जो है वो एमटेक में। ये फोटोनिक्स डिपार्टमेंट का है, अगर ओवरऑल बात करें हाँ तो? हाँ ओवरऑल का तो मैं परसेंटेज नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है कि VLSI में सब लोग प्लेसमेंट हो गए, प्लेस्ड हो गए हैं। अभी phase 1 के बाद नहीं हुए थे सारे लोग, लेकिन अभी phase 2 जब चल रहा था तो अभी सभी लोगों का हो गया है ऑलमोस्ट प्लेसमेंट। SPCOM में मतलब मैंने जो मुझे जितना पता है कि 50% स्ट्रेंथ की प्लेसमेंट अभी बची हुई है जिन लोगों का अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और सिमिलरली पावर में भी सेम चीज है, लेकिन बाकी स्पेशलाइजेशन जैसे फोटोनिक्स हो गया, फोटोनिक्स में भी कुछ बच्चे बचे हैं, मेनली VLSI में सब प्लेस्ड हो गए, और बाकी डिपार्टमेंट में 50-60% बच्चे के प्लेसमेंट हुई है, बाकी लोगों की अभी बची हुई नहीं हुई है। जैसा कि तुम 3 साल से वहां पे हो, तो इस साल तो हाँ रिसेशन के कारण खराब हुआ है, बहुत हाँ कॉलेज ने सफर किया, तो उससे पिछले ईयर का हाँ कैसा रहा था? पिछले ईयर तो मेरे डिपार्टमेंट सभी का प्लेसमेंट हो गया था, सभी का VLSI में 1 लोग का हुआ था, बाकी सबका सॉफ्टवेयर में हुआ, वो लोग इंटरेस्टेड सॉफ्टवेयर में थे। और VLSI में बात करूँ तो सबका प्लेसमेंट हो गया था VLSI में, और बाकी में भी बहुत अच्छा सिचुएशन था लास्ट ईयर। इस साल रिसेशन ही ज्यादातर रीजन था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी अच्छा इस बार नहीं हुआ है, मतलब कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में day 3-4 तक मतलब 70% बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हुई थी, जो अभी रेयर है, मतलब अभी अभी तक ये कभी नहीं हुआ था, तो इस साल ये सिचुएशन खराब था, लेकिन लास्ट ईयर बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, तो वो एक रीजन था बहुत बड़ा। अगर कोर प्रोफाइल को छोड़ दे तो सॉफ्टवेयर में भी कुछ टॉप कंपनियों के नाम बताओ, और मीन्स क्या बोलते हैं कि हम मीन्स कौन कौन से ब्रांच हम मीन्स हर कंपनी में एलिजिबल होते हैं, या फिर किसी कंपनी में एलिजिबल नहीं भी होते हैं, या फिर अगर हम प्रिपरेशन करें तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसके बारे में थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रोफाइल या फिर दूसरा जो भी डेटा एनालिटिक्स हो गया, AI हो गया, इसके बारे में थोड़ा। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि जितने भी मतलब टॉप कंपनीज होती है सॉफ्टवेयर की, वो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं, पहला उनका हायरार्की होता है कि वो लोग बीटेक CAC प्रेफर करते हैं सबसे पहले,
उसके बाद उनका हायरार्की होता है कि वो लोग एमटेक सीएसई प्रेफर करते हैं, तो उसके बाद होता है कि बाकी डिपार्टमेंट। तो इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मैं नहीं बोलूंगी कि है टॉप कंपनीज में, वो लोग ओपन ही नहीं होते, मतलब वो कंपनीज ओपन ही नहीं होती है, वो ओपन ही होती है सिर्फ बीटेक के लिए। कभी कभी होता है सिर्फ बीटेक के लिए ओपन है, कभी कभी होता है कि एमटेक ओपन है भी तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए ओपन है। लेकिन जितने उसके बाद की कंपनीज, मतलब मेनली अगर मैं बात करूँ कि डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए अगर अप्लाई करना है, डेटा साइंस के लिए अगर अप्लाई करना है, तो इन सब जो रोल्स होते हैं उनके लिए ओपन हो जाती है, और वो ओपन टू ऑल होती है। जैसे एक्सेंचर होता है, एक्सेंचर जापान होता है, तो ये सारे जो कंपनीज होती है वो सभी के लिए मतलब ओपन हो जाती है। लेकिन हाँ, वो ओपन हो जाती है, लेकिन टेस्ट होने के बाद उन लोग की प्रायोरिटी हमेशा कंप्यूटर साइंस होती है। तो ये एक चीज है कि प्रायोरिटी वो लोग देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब नहीं एप्लीकेबल है। कभी कभी वो भी जाता है, जैसे मेरे डिपार्टमेंट से ही लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर में बहुत लोगों के प्लेसमेंट हुए, कि जैसे एचएसबीसी जो कंपनी है उसमें भी प्लेसमेंट हुए, तो मतलब हो जाता है, लेकिन ऐसा है कि प्रायोरिटी वो लोग देते ही है हमेशा कंप्यूटर साइंस को। अगर पैकेज के टर्म में बात करें तो कितना हाईएस्ट पैकेज गया है, कितना मिनिमम गया है, कितना मीडियन गया है? हाँ, तो मतलब कोर में ही ज्यादातर लोगों की प्लेसमेंट है, तो कोर में तो जैसे कम क्वालकम जो है वो मतलब हाईएस्ट पैकेज ही हर बार देती है, तो मतलब वो हाईएस्ट पैकेज है, तो 36 या 37 एलपीए के आसपास जो है वो पैकेज देती है। तो हाँ, तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो हाईएस्ट पैकेज 36-37 एलपीए तक जाती है। और अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ, तो लोएस्ट वो कोर में ही बात कर रही हूँ मैं, तो कोर में 10 एलपीए 15 एलपीए तक लोएस्ट पैकेज जो है वो जाती है। तो ये कोर की बात किया है, नॉन कोर में थोड़ा और भी कम हो जाता है, 6 एलपीए 7 एलपीए भी होता है, लेकिन कोर में 15 एलपीए या 10 एलपीए मिनिमम होता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल के सारे ब्रांच की बात करूं तो वो हर हाँ मतलब अगर वो उस टाइप का प्रोफाइल प्रिपेयर करके रखे तो वो सब मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में वो भी एलिजिबल होते हैं। हाँ इलेक्ट्रिकल में अगर कोई है तो वो सारे कोर कंपनीज में एलिजिबल है, तो उनमें कोई भी वो नहीं है कि कोई स्पेशलाइजेशन, कुछ भी नहीं देखा जाता कि कौन सा स्पेशलाइजेशन है, कि फोटोनिक्स है, पावर है, क्या है, कोई मैटर नहीं करता। अगर इलेक्ट्रिकल है तो सारे कोर कंपनीज में एलिजिबल है, चाहे वो मतलब पावर की कोर कंपनी हो, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक का तरह मतलब पावर की कंपनी हो, या वीएलएसआई की कंपनी हो, तो कोई भी हो, एसपी कॉम की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, सारे इलेक्ट्रिकल के बच्चे एलिजिबल है उसमें। अगर कुछ कोर कंपनियों के में जो भी तुम्हें याद आ रहा हो, कुछ टॉप कोर कंपनियों के नाम अगर मेंशन कर सको जो आप विजिट की हो। टॉप कोर कंपनी की बात कर रहे हैं जो विजिट किया है ना? हाँ, तो वो मैंने बताया था कि मतलब जैसे क्वालकॉम था, मतलब डे वन में आती है क्वालकॉम, टेक्सास, इंटेल, ये तीनों कंपनी डे वन स्लॉट वन में लेती है। फिर डे टू की मतलब स्लॉट टू की अगर मैं बात करूँ, तो स्लॉट टू में जैसे इस बार आए थे माइक्रॉन, मैथवर्क्स थे, फिर एनवीडिया थे, टीएसएमसी थे, तो ये कंपनी जो थे वो स्लॉट टू में थे। तो ये सारे टॉप कंपनी जो आते हैं वो विजिट करते हैं। लाइक जैसे गैप का बहुत सारा इम्पैक्ट करता है एकेडमिक गैप का, तो क्या मीन्स वहाँ पे आईआईटी कानपुर में जो भी प्लेसमेंट रहा है एमटेक और एमएसआर के लिए, तो उसमें क्या रहा, गैप का इम्पैक्ट दिखाई दिया? मीन्स गैप के हिसाब से हम एलिजिबल होते हैं नहीं होते हैं, कितना गैप ईयर तक सेफ माना जाता है? तो जैसे गैप ईयर का इफेक्ट होता है कि अगर इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग जब हो रही है, कि अगर टाई हो जाता है दो लोगों के बीच में, कि मार्क्स भी सेम है, सीजीपीए भी सेम है, तब गैप एक मैटर करता है, कि अगर किसी का गैप नहीं है तो तब प्रायोरिटी दी जाती है इंटरव्यू के शॉर्टलिस्टिंग में। इंटरव्यू में बात करूं तो इंटरव्यू में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है अगर बहुत बड़ा गैप नहीं है, जैसे 2 साल मिनिमम अगर गैप है तो कोई इशू नहीं है, तब 2 साल में प्लेसमेंट हुआ भी है, 2 साल गैप है, प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन वो जस्टिफाइबल अगर गैप है, तो मतलब कि अगर उस गैप में बता दिया जाए कि कुछ फ्रूटफुल काम किया है हमने उस गैप में, कि कुछ भी किया है, कोई कोर्स किया हो या और कोई और कंपनी में थे, तो कुछ अगर उसको हम जस्टिफाई कर पाए तो ज्यादा इंटरव्यू में उसके इफेक्ट नहीं होता है। अगर 2 से ज्यादा गैप है तो फिर शॉर्टलिस्टिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है? मेरे जान पहचान में ऐसे कोई थे नहीं कि 2 साल से ज्यादा गैप है, तो इसीलिए मुझे मतलब उस पर ज्यादा पता नहीं है कि होता है नहीं। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो लाइक जैसे मास्टर के स्टूडेंट हो गए और बीटेक के स्टूडेंट हो गए, तो कुछ पार्शलिटी देखने को मिलता है या फिर हर कंपनी में हम लोग भी इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
हाँ, तो दो चीज में डिफरेंट है कि जैसे कोर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो सॉफ्टवेयर में ऐसे है कि उनमें बीटेक को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू मास्टर्स। और अगर मैं कोर में बात करूँ तो वहां पे मास्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ज्यादातर इसीलिए जो है कि कोर में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि मास्टर को ही वहां ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो रेशियो वहां पे ऐसा रहता है कि अगर 10 लोग गो कंपनी ले रही है तो उसमें से 2 लोग जो है वो बीटेक का होता है और रिमेनिंग 6 लोग जो है वो एमटेक के होते हैं। तो इसलिए मतलब ज्यादा प्रेफरेंस मास्टर्स को दिया जाता है। तो मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोर में, क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसा कि माना जाता है कि आईआईटी कानपुर का एकेडमिक सबसे टफ मींस वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट होता है, तो ओवरऑल वहाँ का एकेडमिक कैसा है, प्रोफेसर के लेक्चर की क्वालिटी क्या होती है, फिर मींस क्लास अटेंडेंस का क्या सिनारियो है, और मींस सेल्फ ओरिएंटेड होता है या फिर क्लास पे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, इन सभी चीजों के बारे में, लाइक ओवरऑल एकेडमिक के बारे में, नए नए इक्विपमेंट, लैब फैसिलिटी अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में। ओके, तो हाँ मतलब ये तो सब बहुत लोगों ने मुझे भी बोला था पहले ज्वाइन करने से पहले कि कोर्स वर्क तो हेक्टिक होता है, तो जो कि सच है कि हेक्टिक होता है। तो मैंने स्टार्ट किया था अपना क्लास ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी मैंने किया है, ऑफलाइन भी मैंने किया है। तो ऑनलाइन जब था तो मतलब अटेंडेंस तो ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता था, लेकिन हाँ क्लास में जो मतलब कराया जाता था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समझने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, किस तरह का असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो जानने के लिए मतलब अटेंड करना इम्पोर्टेंट है खुद के लिए ही। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि इतने दिन अटेंड करना है, लेकिन वो खुद के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम ऑनलाइन में थे तो तब चीजें थोड़ा डिफरेंट थी कि रिकॉर्डिंग होते थे क्लास के जो अपलोड हो जाते थे पोर्टल में, और सिर्फ हम डाउट सेशन होते थे हमारे ऑनलाइन कुछ कुछ कोर्सेज में, और कुछ कोर्सेज में थे जिसमें क्लास ही होती थी ऑनलाइन। तो तब जो है वो रिकॉर्डिंग हम बाद में भी देख सकते थे। लेकिन अगर ऑफलाइन में बात करें तो ऑफलाइन में अगर मतलब क्लास में ना जाए तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी बाद में, तो इसीलिए लोग जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ही लोग जाते हैं। और मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब जो जितने भी प्रोफेसर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। क्योंकि मतलब बहुत अच्छे मतलब उस तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ मतलब कि अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो थोड़ा मतलब टफ होता है उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा टफ होते ही है। और तो मार्किंग सिस्टम थोड़ा है कि मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, तो सीजीपीए भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है। लेकिन अभी लास्ट ईयर से कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे पहले हम जिस बैच में मैं थी तो तब ये सिस्टम था कि मतलब मोस्ट ऑफ द कोर्सेस में ही जो होता है वो मतलब जितने भी मार्क्स होते हैं उसमें डिपेंड करता है कि कंपेरेबल मार्किंग होती है। जैसे अगर कोई हाईएस्ट है तो उनका ए स्कोर होगा, मतलब ए ग्रेड होगा, उसके बाद रिमेनिंग कुछ तक बच्चों की बी होंगी, उसके बाद सी होंगी। तो पहले जो था वो ऐसा था कि ए का मतलब था 10 और बी का मतलब था 8 और सी का मतलब था 6। लेकिन अभी चेंज हो गया है लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर से ए प्लस हो गया है नया एक। तो ए प्लस का मतलब है 10 और ए का मतलब है 9 और फिर बी प्लस का मतलब है 8, बी का मतलब है 6 7। तो रिलेटिव इस ग्रेडिंग, तरीके से है। रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। हाँ हाँ रिलेटिव रिलेटिव ग्रेडिंग पहले भी थी, लेकिन वो था पहले की सीजीपीए कम आती थी क्योंकि 10 के बाद सीधा 8 था, तो 9 का कोई जगह नहीं था। तो एवरेज में 9 मतलब बहुत कम लोगों के बच्चों की सीजीपीए ज्यादा होती थी, तो उस चीज की वजह से अभी ये हो गया है। तो नंबरिंग हेक्टिक है लेकिन कोर्स अच्छा है, लेकिन मार्किंग सिस्टम थोड़ा हाँ हेक्टिक है, तो सीजीपीए में वो फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मतलब एक इसके लिए ये भी है कि मतलब अगर कोर्स में मतलब अच्छे से समझे कि क्या है वो मतलब ट्रिक पता चल जाती है। कि जैसे मतलब सीनियर से बात करें, मतलब मेरा तो यही रहेगा कि मैंने भी यही किया था कि कोई भी कोर्स लेने से पहले मैंने उस कोर्स में जितने भी सीनियर्स थे उनसे बात करी थी कि मार्किंग कैसे होती है, कैसे क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उस तरीके से एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे चीजें को करना है। तो हर प्रोफेसर की सिस्टम अलग होती है कि कुछ लोगों के लिए असाइनमेंट उतना मैटर नहीं करता, मतलब टेस्ट ज्यादा मैटर करता है। कुछ प्रोफेसर के लिए टेस्ट ज्यादा मैटर नहीं करता, असाइनमेंट ज्यादा मैटर करता है। तो अगर वो पहले से एक आइडिया रहे सीनियर से कि कैसे वो अप्रोच करना है तो इजी हो जाता है मार्क्स लेना, तो तब वो इजी हो जाता है। हाँ जैसा कि बहुत सारे लोग मास्टर डिग्री के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर कोई और भी पर्पस हो गया, हाँ
तो क्या मीन्स IIT कानपुर का एकेडमिक ऐसा है, मीन्स एकेडमिक स्ट्रेस ऐसा है कि हम इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, या फिर मीन्स ये सब चीजें छोड़ दें? नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो पहले से फिक्स है, जैसे कि अगर फिक्स है कि मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तो फिर लोग ऐसे ही कोर्सेस लेते हैं। मतलब मेरे बहुत ऐसे दोस्त रहे हैं जिन्होंने ये किया है, एंड एक दोस्त तो ये है भी जो मतलब SSC CGL में भी उनको मिल गया था, मतलब सेम बैच में, मतलब कंप्लीट भी कर लिया, उनको डिग्री भी मिल गई और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया जॉब में। तो वो होता है, लेकिन उस टाइम पे मतलब प्रायोरिटी फिर अगर वो है जॉब है, तो फिर लोग कोर्सेज ऐसे चूज करते हैं जो इजी कोर्सेज होते हैं, जिसमें मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें मार्क्स मतलब बहुत कम एफर्ट देने में ही मिल जाती है, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव कोर्स नहीं है। तो अगर वो है प्रायोरिटी, तो ऐसे कोर्सेज लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर प्रायोरिटी है कि समझना है, सीखना है, तो फिर ऐसे कोर्सेज लेने पड़ेंगे। क्लास करना कोई वैसा मीन्स क्राइटेरिया नहीं है, मीन्स अपने हिसाब से अगर जाना है तो जाइए, या फिर अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है क्राइटेरिया, कुछ अटेंडेंस का नहीं है कि इतने दिन कॉलेज में जाना है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। जैसा कि प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और MSR के लिए तो स्पेशली ज्यादा, तो प्रोजेक्ट गाइड चूज करना, फिर प्रोजेक्ट चूज करना, मीन्स इन सब चीजों को कैसे मैनेज करे, या मीन्स कैसा किन किन चीजों का ध्यान रखे ताकि थोड़ा लाइफ बैलेंस रहे और मीन्स तो अच्छे गाइड के अंदर चले? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब IIT कानपुर में तो स्पेशली मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुपरवाइजर का या गाइड का रोल सबसे ज्यादा है। तो मतलब ऐसा है कि अगर मैं MTech की बात करूँ, तो MTech को अप्रोच करना स्टार्ट करना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। फर्स्ट सेमेस्टर के में उनको समझना चाहिए कि कोर्सेज क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं। उसके बाद उनको एक आइडिया मिल जाती है कि कौन से प्रोफेसर कैसे काम करते हैं। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो टाइम होता है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है प्रोफेसर को अप्रोच करने का कि अभी मतलब उनके अंडर हम काम करना चाहते हैं। तो उनके वेबसाइट में जाके पता चल जाता है कि वो कौन से पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं। तो अगर उसमें इंटरेस्ट है उस डोमेन में, और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंदर जितने भी स्टूडेंट रह चुके हैं, उनसे रह चुके हैं या फिर है, उनसे बात कर ले कि वो कैसे काम करते हैं, कितने जल्दी खत्म कर देते हैं, कितना प्रेशर रहता है उनके अंदर। तो वो अगर पता चल जाए, तो उस हिसाब से उनको कॉन्टेक्ट करना चाहिए उस सुपरवाइजर के साथ। ये MTech के लिए है। MSR के लिए थोड़ा जल्दी ही वो काम करना चाहिए कि यही चीज की मतलब स्टूडेंट से बात करना, बाकी सीनियर से बात करना, उस सुपरवाइजर जिनके अंडर जाना चाह रहे हैं, उनके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं। लैब का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब PhD जो लोग होते हैं वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि नहीं, जो पोस्ट डॉक होते हैं वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो वो पता चल जाता है उनके लैब के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे पता चल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रैंडमली नहीं, तो क्या होता है कि अगर ये हम खुद से ना करें, खुद से अगर हम चूज ना करें कोई सुपरवाइजर, तो आखिरी में जो बच्चे रह जाते हैं जिनको कोई अलॉट नहीं, जिन्होंने मतलब किसी को भी अप्रोच नहीं किया, तो उनको रैंडमली अलॉट किया जाता है कि आप इसके अंडर हैं, तो इन प्रोफेसर के अंडर है। तो तब वो इशू हो सकता है कि बाद में जाके वो रिग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से ही वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी कम होती है सुपरवाइजर के अंदर। एक-एक सुपरवाइजर जो है वो मतलब 2 MTech 1 MSR ऐसे करके ले सकते हैं। तो उनको अगर पहले से अप्रोच ना करे जिनको चाह रहे हैं, तो शायद उनके अंदर वैकेंसी ना रहे, तो किसी और के अंडर जाना पड़े। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले से ही वो एक पता चलना चाहिए कि कौन से मतलब क्या एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से ही मतलब अप्लाई कर ले पहले से ही कि इंटरेस्ट है वो बता दे। मेल के थ्रू ही बस बताना होता है, मेल करना होता है। और अभी ऑफलाइन है तो मतलब जाके भी बात कर सकते हैं, अगर उनकी अवेलेबिलिटी है उनके ऑफिस में जाके भी बात कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। एक रिज्यूमे भेजना होता है, कभी कभी कोई सुपरवाइजर मांगते हैं रिज्यूमे, कभी कभी तो नहीं भी मांगते, डायरेक्ट बता देते कि हाँ है या नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई सुपरवाइजर मतलब रिज्यूमे मांग लेते हैं कि रिज्यूमे देखकर फिर डिसाइड करते हैं, कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो फिर वही होता है कि रिज्यूमे देखकर डिसाइड करते हैं सुपरवाइजर कि किनको लेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर है कि सुपरवाइजर किसको लेना है। अगर हायर स्टडीज अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो किस टाइप की हायर अपॉर्चुनिटी, हायर स्टडीज की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, या फिर प्रोफेसर का टाई अप किसी फॉरेन कंट्री से, या फिर दूसरे कॉलेज से टाई अप, तो इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताओ।
हाँ, तो अगर किसी का मतलब ये है कि रिसर्च करना है या हायर स्टडी करना है, तब तो बहुत बेस्ट है। तब बेस्ट बहुत तरीके से है। जैसे अगर किसी को करना है कि आईआईटी कानपुर में ही मतलब हायर स्टडी परस्यू करना है, तो सेम डिपार्टमेंट में से अगर परस्यू करना है तो फिर कोई एग्जाम या इंटरव्यू कुछ नहीं चाहिए। बस अगर 8 CPI उनका हो, 8 या कभी कभी 8.5 CPI अगर हो, तो उनको ऑटोमेटिकली ही जो है अप्लाई करने में मिल जाता है PhD में। अगर डिपार्टमेंट शिफ्ट करना चाहे तो फिर उनको सेम प्रोसीड्यूर के थ्रू जाना पड़ता है कि फिर से अप्लाई करना, टेस्ट देना, इंटरव्यू देना, फिर सिलेक्शन डिपेंड करता है। ये तो हो गया। और अगर बाहर अप्लाई करना है तो फिर रिकमेंडेशन प्रोफेसर से बहुत आसानी से मिल जाती है, कि अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफेसर बहुत आसानी से ही जो है वो रिकमेंडेशन दे देते हैं। कभी कभी बहुत सारे सुपरवाइजर जो होते हैं उनका खुद का ही कॉन्टैक्ट होता है कोई बाहर के यूनिवर्सिटी के साथ, तो अगर वो पोटेंशियल देखे उन स्टूडेंट के अंदर, या स्टूडेंट अगर बताए कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में हम इंटरेस्टेड है, तो फिर सुपरवाइजर खुद ही मतलब रेफर कर देते हैं। उनकी बातों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी सुपरवाइजर सिलेक्ट करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि अगर किसी को पहले से रहे कि मुझे रिसर्च करना है, मुझे जॉब नहीं, मुझे रिसर्च करना है, तो फिर वो उन प्रोफेसर को सिलेक्ट करे जिन जिनका बहुत ज्यादा ही एक मतलब इफेक्ट है या इम्पोर्टेंस है। मतलब अगर हम बाहर की यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर IIT कानपुर में बात करें, तो उन प्रोफेसर को उनको सिलेक्ट करना चाहिए। तो फिर बहुत ही मतलब ईजी रहता है कि बाहर उनको PhD मिलना। तो इस तरीके से तो बहुत ही सही है PhD या हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू में। सेमेस्टर एग्जाम का क्या लेवल होता है, कितना CGPA तक इजिली मैनेज किया जा सकता है, और मीन्स कितना CGPA प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से सेफ माना जा सकता है? हाँ, तो कोर्स में ऐसा है कि मतलब जो कोर्स ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मतलब कोर्सेज कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत आसानी से ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड मिल जाता है, ऐसे कोर्सेज होते हैं। अब कुछ ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जिनमें बहुत ही कोशिश भी कर ले तो बी ग्रेड तक मिलता है, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलता है। तो कोर्स सिलेक्ट करते वक्त ही वो ध्यान रखें। तो CPI अगर मैं सेफ मानूँ तो प्लेसमेंट के लिए 8 CPI के ऊपर अगर है तो सेफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम माना जाएगा। 7.5 है तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, कभी कभी मतलब इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होता है 7.5 CPI है तो थोड़ा एफर्ट मारने में हो जाता है। लेकिन अगर 7 से 7.5 है तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तब। और 7 CPI के कम तो मैं बोलूंगी कि मतलब प्रॉब्लम है, तो 8 CPI मैं बोलूंगी कि सेफ है, कि अगर 8 के ऊपर है तो फिर वो सेफ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लेसमेंट में। अगर ओवरऑल कैंपस की बात करें तो कैंपस कैसा है, कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा है, फिर हॉस्टल एंड मेस की हाँ, कैसी हॉस्टल एंड मेस कैसा है, मेस में किस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताएं। तो कैंपस लाइफ तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल हॉस्टल है 14 हॉस्टल्स है, इससे पहले 13 थे, अभी एक नया बने हैं, तो टोटल 14 हॉस्टल्स है यहाँ पे। तो उसमें मतलब हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। तो जैसे मैं भी हॉस्टल थी तो मेरे हॉस्टल में भी बहुत अच्छे मतलब फैसिलिटीज है। और मतलब हर एक हॉस्टल में ही एक मेस होता है जहाँ, और उसके साथ साथ कैंटीन होता है, हर एक हॉस्टल में है वो फैसिलिटी। और उसके साथ साथ कैंपस में बहुत मतलब कैंटीन्स हैं, तो वो कैंटीन भी जा सकते हैं। और मतलब कुछ कुछ कैंटीन होती है जो मतलब 24/7 भी ओपन रहती है, तो अगर रात के 2 बजे या 3 बजे भी किसी को जाना है तो वो भी जा सकता है। और ओपन एयर थी मतलब OAT है हम लोग के यहाँ पे, तो IIT कानपुर में, तो OAT में भी बहुत लोग जाते हैं, जहाँ पे मतलब बाकी ब्रांड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि डोमिनोज हो गया, तो ऐसे ब्रांड्स है वहाँ पे, तो वहाँ के भी मतलब है। तो कैंपस लाइफ तो बहुत अच्छे हैं। और बाकी फेस्ट होता रहता है, मतलब कुछ दिनों बाद बाद ही फेस्ट होता है, एक कल्चरल फेस्ट हो जाता है अंतरागनी करके, फिर स्पोर्ट्स फेस्ट होता है जो उद्घोष करके नाम है, फिर जो टेक्निकल फेस्ट है टेक्निती है, तो फेस्ट भी होता ही है, 4-5 दिनों का फेस्ट चलता है। तो मतलब कैंपस लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है, मतलब की रात की लाइफ तो बहुत अच्छी है IIT कानपुर की। मतलब रात के 12 बजे के बाद लोग यूजुअली मतलब अगर मतलब लैब से वापस आते, ज्यादातर टाइम पे ही मतलब काम वाम खत्म करके जब 12 बजे वापस आते हैं, तब लोग मतलब ऐसे बाहर निकलते हैं, कैंपस में घूमते हैं, मतलब बहुत कैंटीन है वहां जाते हैं, तो उस तरीके से तो बहुत ही अच्छा है कैंपस लाइफ। एक रूम में कितने लोग अलॉट होते हैं, और मेस में खाना, बीटेक, एमटेक, हाँ तो बीटेक एमएसआर? में तो अलाउड होता है 2 लोग,
दो लोग एक रूम में अलॉट होते हैं। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं, और लड़कियों में ही मैं बोल रही हूँ कि मास्टर्स में या पीजी में, मतलब ये मास्टर्स हो गया एंड पीएचडी हो गया, तो उनको सिंगल रूम अलॉट होता है, उनको ओके डबल रूम नहीं दिया जाता है। और जो मतलब मैं लड़कों की बात करूँ, तो इनिशियल डेज में उनको मिला था डबल रूम अलॉटमेंट, फिर उसके बाद सिंगल रूम हो गया उनको भी, पीजी लोगों को भी। पहले वो एक हॉल जब नया बन गया, तो उसके बाद वो अलॉटमेंट में इशू नहीं हुआ, तो तब सिंगल रूम मिला। तो यही रेगुलेशन है कि पीजी लोगों को सिंगल रूम ही मिलना चाहिए, तो सारे सारे पीजी लोगों को ही सिंगल रूम मिलता है। बीटेक को जो है वो दो लोगों की ऑक्यूपेंसी होती है एक एक रूम में। तो ये होता है रिगार्डिंग की मतलब ये है। और मेस की अगर मैं बात करूँ, तो मेस की खाना बहुत अच्छा है। तो जैसे हर बारी मतलब हम लोग के मतलब एचसी मेंबर्स होता है, जो हॉल के कमिटी मेंबर्स है, स्टूडेंट से ही होता है वो उस हॉल के। तो उन मतलब जैसे मेस कमिटी होता है, तो बाकी सारे कमिटीज भी होते हैं। तो मेस सेक्रेटरी जो होते हैं, अगर हमें कोई भी इशू हो कि मतलब मेस से रिगार्डिंग कोई भी इशू कि मतलब खाना अच्छा नहीं है, आज का खाना अच्छा नहीं है, या मेन्यू चेंज करना है, तो हम मेस सेक्रेटरी के, हम लोग में एक ग्रुप है, तो उनको हम अप्रोच कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि मेस सेक्रेटरी को ये चेंजेस करना चाहिए, तो उस हिसाब से वो स्टेप लेते हैं। और हमारे मतलब बीच बीच में जीबीए मीटिंग भी होते हैं, जहाँ पे इश्यूज रेज होते हैं कि क्या क्या इश्यूज है हॉस्टल में, तो वो ताकि क्योर हो पाए वो इश्यूज, तो वो मीटिंग होता है या ग्रुप है जिनमें कॉन्टेक्ट होता है। तो मेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी सारे फैसिलिटीज भी, तो बहुत ईजिली ही मतलब अप्रोचेबल है, हम बोल सकते हैं कोई भी इशू, अपना इशू हम अच्छे से बोल सकते हैं और क्योर भी हो जाता है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मीन्स इंक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल एंड एकेडमिक फीस, मीन्स कितना एकेडमिक फीस है टोटल ओवरऑल, अगर 2 साल की बात करें, सॉरी नॉट 2 साल, हाँ एमएसआर के लिए 2 साल से ज्यादा भी लग जाता है, तो अगर सेमेस्टर हाँ वाइज बात हाँ करें हाँ तो कितना लग जाता है, अगर मीन्स मेस और सारा इंक्लूड करें? हाँ तो हर सेमेस्टर में हमें अप्लाई करना होता है, फीस देना होता है। तो जब हम हर सेमेस्टर में करते हैं, तो उसमें बस इंक्लूडेड होता है ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल की फीस, जो भी हो है, वो सारे फीस इंक्लूडेड उसमें होता है। तो वो ऑलमोस्ट 27,000 28,000 के आसपास होता है हर सेमेस्टर की फीस। और ये इससे अलग भी देना होता है हमें, जो मेस की इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मेस की बिल होती है मतलब हॉस्टल की, कि हॉस्टल में हर एक महीने की, कभी कभी वो हॉस्टल टू हॉस्टल डिपेंड करता है, तो कुछ कुछ हॉस्टल होते हैं जो 3 महीने की बिल एक साथ पे करवाते हैं, कुछ हॉस्टल होता है जो 1 महीने की बिल, हर महीने की बिल पे करवाते हैं, तो वो अलग होता है। वो सेमेस्टर फीस तो एक देते हैं हम हर सेमेस्टर में, उससे अलग जैसे हमारे हॉस्टल में था कि हर 1 महीने या 2 महीने बाद हम मेस बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो वो अलग है और सेमेस्टर फीस अलग है। वो अपने हिसाब से आता है जितना आप खाएं। हाँ, वो तो मतलब अपने हिसाब से ही है, कुछ बेसिक होता है अमाउंट, जैसे एक बेसिक है जो सबका सेम है, और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ले मेंस में, तो उनका वो एड ऑन होता है। तो बेसिक अमाउंट डिसाइड होता है कि मतलब जितना टोटल खर्चे हुए उसको डिवाइड करा जाता है स्टूडेंट से, तो उस हिसाब से होता है कि बेसिक अमाउंट क्या है। उसके बाद एक्स्ट्रा जिन्होंने भी एड ऑन लिया है उनका ऐड हो जाता है। सेम चीज है इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी, कि बेसिक जो है वो सबके लिए है, उसके बाद अगर किसी ने मतलब कूलर रख लिया है तो उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, किसी ने अगर हीटर लिया है तो उनको ज्यादा, मतलब वो अप्लायंसेस अगर ज्यादा है उनके पास, तो हम रजिस्टर करते हैं उसके लिए कि हमने कूलर लिया है इस दिन से लेकर इस दिन तक यूज किया है, तो उतने दिनों के लिए हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी जो है वो पे करना होता है एज एन इलेक्ट्रिसिटी। अगर ओवरऑल बात करें तो लाइक एक सेमेस्टर में तुमको कितना पे करना पड़ता था? एक मतलब मेस बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं, एक सेमेस्टर तो मैंने कभी दिया नहीं, मैंने हर एक सेमेस्टर का ही दिया है। तो एक एक महीने में मतलब 2,000 3,000 के आसपास मेस बिल और सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। और हमें कूलर के लिए मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था, और हीटर के लिए हमें 800 800 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता था जितने दिन हमने यूज किया है। तो हम रजिस्टर करते हैं, हम डी रजिस्टर करते हैं, तो उतने दिनों का ही वो लगाया जाता है। और अगर कोई बच्चे है कि जो लीव में है, मतलब कि नहीं है कैंपस में नहीं है या हॉस्टल में नहीं है, तो अगर हम लीव अप्लाई करें तो पोर्टल, एक पोर्टल है उसमें हम अप्लाई करते हैं, प्रोफेसर या सुपरवाइजर की साइन करवा के अगर हम वो सबमिट करते हैं हॉस्टल में, तो उतने दिनों का हमें बिल नहीं ऐड होता है। तो उतने दिनों का कोई भी अप्लायंसेस का भी नहीं बिल ऐड होता है, और जो बेसिक अमाउंट है वो भी अप्लाई नहीं होता है। तो वो उस तरीके से सेम मेस बिल भी है, सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो कब तक एमएसआर में कब तक स्टाइपेंड मिलता है, कितने साल तक और हाँ, कितना मिलता है? एमएसआर एंड एमटेक में दोनों में ही 22 मंथ्स
की ही हमें स्टाइपेंड मिलती है, और जो कि 12,400 मिलता है हमें। इनिशियल डेज में 2 महीने का एक बार मिलता है, पहला 2 महीना जो होता है वो पहले महीने नहीं आके दूसरे महीने एक साथ आता है, उसके बाद से रेगुलर हर महीने 1 तारीख को ही आ जाती है स्टाइपेंड, और वो 22 मंथ्स तक मिलती है एमटेक को या एमएसआर में। और उसके बाद एमएसआर, क्योंकि ज्यादा टाइम रह सकते हैं उसके बाद, तो अगर उसके बाद उनको कोई चाहिए हो तो कोई अगर स्कॉलरशिप चाहिए होता है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, बहुत स्कॉलरशिप्स है। और उसके साथ साथ जो सुपरवाइजर है उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें काम कर रहे हो, तो उन प्रोजेक्ट से भी जो है सुपरवाइजर पेमेंट कर देते हैं, अगर वो अप्रोच करे कि हमें चाहिए कैसे तो वो कर देते हैं सुपरवाइजर। अगर अगर दोस्त तुमने 3 साल ऑलरेडी वहाँ पे 3 साल वहाँ पे रहा, सब चीजों को बहुत ही नजदीकी से देखा, एकेडमिक देखा, प्लेसमेंट देखा, कॉलेज लाइफ देखा, तो तुम अपने जूनियरों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो मीन्स इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दे, ताकि जस्ट पढ़ने पढ़ने वाला नहीं, मीन्स एकेडमिक लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस चले और एट द एंड अच्छा प्लेसमेंट भी मिले और एट द एंड कैरियर भी अच्छा रहे। तो और भी अगर तुमको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट मिस किया हो, तो फिर सारी चीजों को इसमें तुम कवर अप कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला कि मतलब सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर वेस्ट हो जाएगा कि जो 2 साल या 3 साल होगा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो रिग्रेट करेंगे कि सिर्फ पढ़ाई है और कुछ किया नहीं है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि बहुत अच्छा ही मैनेज किया हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ, अगर 2 साल की भी मैं बात करूँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो कोर्स वर्क रहता है और कुछ नहीं रहता है, उसमें प्लेसमेंट सोचने का भी कोई मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर साइड बाय साइड थोड़ा बहुत देखते रहे, ज्यादा कुछ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे, तब कोर्स वर्क को ज्यादा ध्यान दे, और कोर्स वर्क में भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि कोर्स वर्क में एग्जाम से पहले पहले ही बहुत ज्यादा एफर्ट देते हैं यूजुअली लोग, इसके अलावा ज्यादा टाइम कोई ज्यादा एफर्ट नहीं रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा टाइम है कि एक्सप्लोर कर ले, कैंपस एक्सप्लोर कर ले, कहीं घूमने चले जाए, कैंपस में बहुत ज्यादा बहुत घूमने का जगह है, बाहर जाने का तो जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर ही बहुत चीजें हैं कैंपस के अंदर ही, तो वो चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड सेमेस्टर है, तो सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत थीसिस का आ जाता है काम, की अभी थीसिस का थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। तो अगर उस टाइम पे थोड़ा बहुत थीसिस का काम आगे करके रखें, तो थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे पूरा एफर्ट जो है वो प्लेसमेंट में जोड़ देते हैं, तो उस टाइम को जो हटा दे तो बाकी टाइम ज्यादा एफर्ट नहीं रहता है। मेन टाइम जो एफर्ट होता है वो थर्ड सेमेस्टर होता है, जहाँ पे लोग ज्यादातर एफर्ट जो है प्लेसमेंट के लिए देते हैं, और प्लेसमेंट में 6 महीना बहुत होता है, इनफ होता है 6 महीना प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर उससे पहले थोड़ा बहुत देखते रहे और 6 महीना प्रॉपर एफर्ट दे, तो फिर बहुत इजिली ही प्लेसमेंट हो जाता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग सेमेस्टर बचा, फोर्थ सेमेस्टर जो बचा, वहां पे थीसिस का काम प्रॉपरली करे, क्योंकि तब प्लेसमेंट हो गया है, अब बस थीसिस का काम कंप्लीट करके रैपअप करके बस जाना है। तो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो जाएगा अगर डिवाइड ऐसे कर ले कि कौन से टाइम पे क्या क्या टाइम देना है, तो फिर बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है, कि बहुत सारे फेस्ट होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और IIT कानपुर में हमें बहुत और भी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि हम योगा क्लब होता है, बहुत सारे क्लब्स भी हैं, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि हम सिंगिंग क्लास में ज्वाइन कर लिया, हमने अपने डांसिंग क्लास में ज्वाइन कर लिया, योगा में ज्वाइन कर लिया, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है स्पोर्ट्स में, और भी है, तो उनमें अगर रहे तो फिर एक वो भी मिल जाता है कि एक और भी काम हो जाता है, कि फेस्ट के अलावा भी हम इन सब चीजों में इंक्लूडेड है। तो मैंने भी जैसे ज्वाइन कर लिया था कि योगा ज्वाइन कर लिया था, मैं रेगुलर योगा जाती थी, मेरे और दोस्त है जिन लोगों ने और भी बहुत चीजों में किया है, तो स्पोर्ट्स में फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, कि जीते भी है, तो ये सब करते रहना चाहिए, ताकि एक कैंपस लाइफ भी एंजॉय हो जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता है, बस मैनेज कर ले। और ज्यादा मैं सजेशन बोलूंगी कि हमेशा सीनियर से एक बात करते रहे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, तो अपने तरीके से चलना चाहिए, लेकिन सीनियर से एक सजेशन हमेशा ले ले, चाहे वो सुपरवाइजर सिलेक्ट करना हो, चाहे वो कोर्स सिलेक्ट करना हो, चाहे वो किस तरीके से मैनेज करना है, वो प्लेसमेंट के लिए हो, तो हमेशा सीनियर से एक अगर वो सुन लिया जाए कि कैसे तरीके से मैनेज करना है, तो बहुत अच्छे से वो मैनेजेबल हो जाता है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे जो भी जूनियर अपकमिंग है, तो किन किन चीजों का प्रिकॉशन रखे ताकि उनको दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा पॉजिटिव एज मिले, चाहे मीन्स प्लेसमेंट के टाइम हो या फिर कॉलेज लाइफ में।
हाँ, तो हाँ, तो जूनियर जो है तो उन लोग को तो पहले ही आके पहला सेमेस्टर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत टाइम पे ऐसे हो जाती है कि वो लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं पहले सेमेस्टर में कि पैसे प्लेसमेंट करना है क्या नहीं करना है। तो मतलब उतना ज्यादा प्रेशर तब लेने की जरूरत नहीं है, पहला सेमेस्टर जब आओ तब सीनियर से प्रॉपरली सुन लो कि कौन से कोर्सेस लेना चाहिए कौन से कोर्सेस नहीं लेना चाहिए। पहले तो पर्सपेक्टिव आपने डिसाइड कर लो आने के बाद कि मतलब क्या टारगेट क्या है, कि क्या मुझे रिसर्च करना है, क्या मुझे प्लेसमेंट करना है, या क्या मैं अभी डिसाइड नहीं किया है, मैंने अभी मुझे डिसाइड करना है या एक्सप्लोर करना है। ये तीनों स्टेज पहले अपने आप को जान लो कि क्या चाहिए तुम्हें। उसके बाद जो है कोर्सेस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्सेस कैसे डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है। तो वो सीनियर से सजेशन ले सकते हैं, अपना ही डिसीजन लास्ट में होगा, लेकिन सजेशन लेने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि ले लो कि कौन से कोर्स लेना चाहिए, कौन से कोर्स लेना उतना अच्छा नहीं होता है, लास्ट ईयर कैसे डेटाज रहे हैं उस कोर्स में। तो ये सब ध्यान में रखते हुए कोर्सेज चूज कर ले। फर्स्ट सेमेस्टर की बात तो ये हो गई, फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी ऐसे ही कोर्सेज चूज करना एक पॉइंट तो है। उसके साथ साथ प्लेसमेंट के जो मटेरियल्स हैं, तो सीनियर जो है वो बहुत मतलब एलुमनाई हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग मतलब ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं कि हम लोग ने जो यूज किया है, हम लोग को जो मिला है, हम अपने जूनियर्स को दे देते हैं। तो इस तरीके से वो फॉरवर्ड हो जाता है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो सीनियर जो होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं सारे प्लेसमेंट की मतलब जो भी मेटेरियल्स है प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, ये सब चीजें जो है वो बता देंगे, प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि प्रीवियस ईयर कब सॉल्व करना चाहिए, रिटन टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो या इंटरव्यू के जो सर एक्सपीरियंस है सर उनको देख लो पहले से। तो ये सब चीजें सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दें, और साथ साथ जो थीसिस का काम है थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दें। और उसमें सुपरवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुपरवाइजर बहुत अच्छे से डिसाइड कर ले कि कौन किसी किसको ले, डिपेंडिंग अपॉन की टारगेट क्या है कि कैसे मतलब मुझे करना है इन फ्यूचर, फ्यूचर क्या कर है मेरा। तो उस तरीके से सुपरवाइजर डिसाइड करके थीसिस का काम भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दे। यूजुअली थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकेंड सेमेस्टर में थीसिस का काम ज्यादा नहीं होता है, ज्यादातर होता है कि लिटरेचर रिव्यू करना ही होता है कि क्या काम हुआ है उसको रिव्यू करना ज्यादा काम होता है, और बहुत ज्यादा छोटा मोटा काम होता है कि जो लिटरेचर में ऑलरेडी है तो उन्हीं को जो है वो करे, ये पहला चीज होता है। और सेकेंडली ये है कि उसके बाद जो प्लेसमेंट में ज्यादातर ध्यान दे दो, और लास्ट सेमेस्टर को पूरा रख दो कि सिर्फ और सिर्फ थीसिस का काम करना है, प्रॉपरली थीसिस का काम करके कंप्लीट करके फिर डिफेंस देकर जाना है बस। आई थिंक सुचि अस्मिता ने बहुत ही अच्छे से मीन्स बहुत ही ऑनेस्ट वे में, बहुत ही डिटेल्ड वे में हर चीज़ों को, जितना भी उसके पास इंफॉर्मेशन था उसने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी अपकमिंग स्टूडेंट है उनको इससे काफ़ी मीन्स इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनको एक अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। तो मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जी अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मीन्स टाइम मिलने के अकॉर्डिंग आंसर करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।